सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव। आज और अभी में देखिए मेरे साथ देश दुनिया की बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। इसके साथ ही टैक्स पेयर्स को भी काफी राहत दी है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि छोटे डिफॉल्टर्स पर अब आपराधिक मामला नहीं चलेगा। वहीं 25 लाख रुपए तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह का आयोजन कर रही है। इसकी शुरुआत करते हुए बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचकर मरीजों को फल बांटे। इस दौरान अमित शाह के साथ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट आज ऑनलाइन जारी कर दी गई है। इसके बाद राज्य से 10,000 अर्ध सैनिक बलों को वापस बुला लिया गया है। ये लिस्ट दो हफ्ते पहले ही जारी हो गई थी, जिसमें 19 लाख से अधिक लोगों को जगह नहीं मिली थी। बिहार के सरोजराज मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन के पहले करोड़पति बन गए हैं। कल शुक्रवार को 15 सही सवालों का जवाब देकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते। इस तरह एक बार फिर बिहार का टैलेंट केबीसी के मंच पर चमका है। इससे पहले केबीसी में बिहार के सुशील कुमार 5 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही महिला बॉक्सर एमसी मैरी कॉम को पद्म विभूषण के लिए नामित किया गया है। वे देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान के लिए नामित होने वाली पहली महिला एथलीट बन गई है। मैरी कॉम 2006 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित हो चुकी है। स्टार शटलर पीवी सिंधु को पद्म भूषण के लिए नामित किया गया है। ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। देश दुनिया के हर बड़े मुद्दे पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए देखते रहिए द फ्रंट। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।